हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र जुडिशियल सर्विस एग्जाम के सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टेजेस के साथ। बेसिकली तीन स्टेजेस में एग्जाम होता है। पहला प्री एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म, दूसरा मेंस एग्जाम जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म, और उसके लास्ट स्टेज होती है इंटरव्यू की। प्री एग्जाम जो कि सिंगल पेपर होता है 100 नंबर का, इसमें 2 घंटे का टाइम होता है, प्लस 100 ही क्वेश्चंस होते हैं। इसमें पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। सिलेबस की बात करें, टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एविडेंस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंडियन पिनल कोड, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सीपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप एक्ट आता है। मेंस की बात करें तो मेंस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। दोनों ही पेपर 100 100 नंबर के होते हैं और दोनों ही का टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 3 3 घंटे का पेपर होता है। पहला पेपर होता है मेंस में जिसमें टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, सीपीसी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। जो सेकंड पेपर होता है इसमें जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं उसमें इंडियन पिनल कोड, एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, SC&ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के साथ आपको एक एसे राइटिंग का जो करंट लीगल टॉपिक पे होता है वो भी आता है। लास्ट स्टेज होता है इंटरव्यू जो कि 50 नंबर का होता है, लेकिन जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स कंबाइन करके बनती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो एग्जाम पैटर्न या सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।